कुछ लोग आपसी रंजिश के खातिर ऐसी बड़ी वारदात को अंजाम दे देते हैं। वो अपने पीछे के बारे में नहीं सोचते हैं और घटना को अंजाम दे देते हैं, फिर उनकी सारी जिंदगी जेल में कटती है। ऐसा ही ताजा मामला बुलंदशहर में सामने आया है। तो जिस भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बुलंदशहर मॉर्निंग वॉक के लिए निकले प्रॉपर्टी डीलर की हत्या। अज्ञात बाइक सवार दो हमलावरों ने गोली मारकर घटना को दिया अंजाम। घटना के बाद परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद। साइकिल से वॉक करने के लिए जा रहे थे काजीबाड़े निवासी डीलर यामीन सलमानी। सिकंदराबाद कोतवाली के गुलाबडी रोड स्थित इद्रिस कॉलोनी की घटना। बाइट एसएसपी सिल्लो कुमार सिंह बुलंदशहर। आप देख रहे हैं एडिटर वसीम सैफी की खास रिपोर्ट। कुछ अब तक तथ्य सामने आए हैं, किस तरह से हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। ये थाना सिकंदराबाद में आज सुबह एक व्यक्ति जिनका नाम यामीन है, ये अपनी साइकिल से हर रोज की भांति निकले थे। तभी एक इद्रिस कॉलोनी पड़ती है, उसके बाहर एक व्यक्ति ने पीछे से आकर के इनको गोली मार दी, जिससे इनकी मृत्यु हो गई है। परिवार द्वारा एक तहरीर दी गई है जिसमें कि इस घटना को सलीम द्वारा कारित करना बताया गया है और उसके द्वारा कुछ अपने साथियों के साथ मिलकर ये घटना कारित करना बताया गया है। पूछताछ में यह बात प्रकाश में आई है कि सलीम पूर्व से ही इनसे रंजिश मानता था। वह इनके विरुद्ध कुछ मुकदमे दर्ज करा रखे थे जो थाना ककोड़ में है। ये अब से 2-3 वर्ष पूर्व की बात है। सलीम को ये लगता था कि उसकी बेटी की शादी में जो मृतक है इन्होंने मध्यस्थता करी है और वह लड़के पक्ष का फेवर कर रहे हैं और इसीलिए इन दोनों के बीच का फैसला नहीं हो पा रहा है। इसके चलते इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। मौके से हम लोगों को कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। एफआईआर परिस्थितिजनक साक्ष्य व सीसीटीवी इत्यादि के आधार पर हमारी टीमें इस पे काम कर रही हैं और शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। कितने हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया था, क्या अभी तक की जानकारी है कि कितनी गोलियां निकली? देखिए, जो जिस व्यक्ति ने गोली चलाई है वो एक ही व्यक्ति था जो कि फुटेज इत्यादि के परीक्षण से आया है। शेष जो भी है बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। पोस्टमार्टम के आधार पर ये सारी चीजें क्लियर होंगी।